अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मास्क मुंह पर लगा लिया है, तैयारी मैंने कर ली है। मैंने इंट्रो देना भूल गई थी, इसलिए भूली थी। घर पे आज दो दिन हो गए, लाइट की इतनी प्रॉब्लम हुई है। हमारा जो ट्रांसफार्म है उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो दिन में लाइट नहीं देते, रात को लाइट दे रहे बस सोने के लिए। तो इंट्रो मैं देना घर में भूल गई, बाहर निकल के रोड पे इंट्रो दे रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं अपना इंट्रो दे दूँ। और आज हम जा रहे हैं जहांगीर के मकबरे लाहौर में, और वहाँ पर शज़ेर मेरा बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इंट्रो दे रही हूँ, यार यहाँ पर खड़े चले बनते हैं। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जहांगीर का मकबरा कैसा है। ये शाहजी आ गए हैं। शाहजी मुझे बोलने नहीं दे रहे, कह रहे हो व्लॉग में तुमने बोल डालिया चुप करके, लेकिन कुछ शाहजी कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा ना। शुदेव ऐसे लग रहा है जैसे चोर जा रहा है। हा? चोरी करनी है? आप बड़ा बड़ा चोर। मैं नहीं हूँ चोर। और बिल्ली चोरी कर रही है। बिल्ली वाकई कितनी खूबसूरत लग रही। ये है जी मकबरा जहांगीर, और ये गेट देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पुरानी जो पुराने लोग थे ना, मतलब पता नहीं कौन था वैसे, ये किसका है? हाँ मकबरा जहांगीर। मकबरा जहांगीर किसका है? जहांगीर उसका नाम है, जहांगीर तरीन। अच्छा जहांगीर का मकबरा जहांगीर। अच्छा भी मैं मजाक भी कर रही हूँ तो गुस्सा नहीं करना, मुझे नहीं पता ये किसका है, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ विजिट करने के लिए। है लाहौर में है, आई थी एक दफ़ा पहले, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया था काफ़ी टाइम पहले, तब आई थी। अब जो है ना मैंने इसका कहा चलो व्लॉग बनाने, साथ अपने वीडियो शूट करनी है सर्दी में, साथ अपने कहा चलो इसका क्लिप ले। अंदर से कुछ ये इस तरह से बना है, खूबसूरत था। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये है मकबरा पूरी, ये मीनार, ये मस्जिद है। मस्जिद है क्या है? दरबार है, ये दरबार है। अच्छा, और जहांगीर का दरबार दरबार है, और चार मीनार हैं उधर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नताशा भी आई हुई है, ये सामने अंदर जाएंगे ना। अच्छा। सामने वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है, इसके अंदर आपने जूते वगैरह उतारने, जूते वगैरह उतार के अंदर जाना है, दुआ खैर करनी है। ये जहांगीर है, मुझे नहीं था आइडिया। जहांगीर का, जहांगीर का। अच्छा अच्छा, जहांगीर कौन था? अच्छा था, अच्छा बादशाह था जहांगीर, एक बादशाह था। अच्छा अच्छा, तो दुआ वैसे हम दुआएं खैर कर सब करते हैं इधर। ये जो मतलब पहले वाले बादशाह होते थे ना, वो एक वली अल्लाह होते थे। अच्छा अच्छा, मतलब कि अच्छे अच्छे काम करते थे। कुछ ऐसे भी होते थे, कुछ ना गुजारा करने वाले लोग, कुछ ऐसे वली बादशाह भी होते थे जिनके बहुत अच्छे अच्छे काम थे, और दुनिया आज भी उनके मजारों पे ना दुआ करती है। बस ये आज जो नई बात मिली है ना, वो ये मिली है, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये जहांगीर का मकबरा जो है दरबार, आइडिया नहीं था। मुझे लगता था बस लोग वैसे सैर व तफरीह के लिए आते हैं, पार्क वगैरह इसलिए। शज़ेब इधर, ये क्या लग गया है? हाँ नहीं, ये क्या? अच्छा ये बैलकनी का बूटा है, बहुत हार्ड होता है, जैसे कच्चू कुमे का वो ऊपर वाला हार्ड होता है ना, ये वही चीज है बैलकनी में। ठीक है ना, ये बैलकनी बहुत ज्यादा सख्त होती है, ये खाने के लिए इस्तेमाल आती है। ठीक है ना। हाँ हाँ, इसका हलवा बना सकते हो आप। ये सख्त है तो खाई कैसे जाएगी? काट के इसको तोड़ के ना, इसके अंदर से वो नरम सा गुद्दा वगैरह निकलता है, आप उसे हलवे में पकाएं खाएं, और जोड़ों की दर्दें वगैरह जो हकीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन चीजों पे। हम एंटर हुए हैं यहाँ पर, तो ये दरबार का गेट जो था ना वो बंद हो गया, अंदर नहीं जा सके। गेट आप लोगों को दरबार नहीं विजिट करवा सके, नेक्स्ट इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, वहाँ से वीडियोज बनाते हैं। यहाँ सामने देखते तो खूबसूरत व्यू आ रहा है, यहाँ से वीडियोज बनाते बनाते हम यहाँ तक पहुँचे तो गेट बंद था, इसलिए अब सर्दी भी बहुत हो रही है, अब हम घर जा रहे हैं। घर जा बाकी का अगला व्लॉग घर पे दिखाते हैं कि क्या करते। शाहजी क्या कहना चाह रहे हैं? मसला पता क्या है, तो अभी टाइम आउट हो चुका है ना, तो आपने उधर ही सारे व्लॉग बनाते आपने हमें लेट किया, हम तो आ गए थे यहाँ। मैंने कब लेट किया? आपकी वजह से हम लेट किए। वैसे ही मुझ पे थोप दिया सारा। शाहजी तुम्हारी गलती, मेरी कादी गलती है यार, काम शुरू कर सारा कुछ मेरे पे थोप देते हो, फट के सारा। शाहजी की गलती है, ये सच बात है, शाहजी की गलती है मेरी। हाँ जी, आप नेक्स्ट मैं तुम्हें मिलूंगा। नेक्स्ट क्यों मिलूंगा? इंशाल्लाह सारा दादा साहब वहाँ का आपको ब्लॉग विजिट कराएंगे, अंदर से विजिट कराएंगे, बाहर से। मैनू कहते ने ब्लॉग दे, आप ही कहते ब्लॉग ब्लॉग नहीं, वो ब्लॉग कहता है। मेरी बात सुन, वो ऐसे होता है, बड़े मेरे मेरे पहले यार मेरी पहले मेरी यार पहले मेरी बात सुन, बड़ी मीठी जुबान से होते हैं। कैसे
मजे निकला कहाँ गया ग्राम दे वाड़ गया मुझे लगता है सोफे के अंदर अंदर ही गया हमारे आना पड़ने लगा था इतना नहीं आना पड़ता ना हो ये अंदर ही गया था जी आवाज़ ही भाई ये सब कपड़ा पहन लेंगे चलो जी पहन तो क्या नहीं वो इधर किरोड़ के पैदा होंगे सामने ये चूहे के लिए पूरा सोफा फाड़ दिया सुभान कैंची नहीं लगाओ मच्छर ऐसा करो पूरा सोफा तोड़ दो आगे मेरी मौत को तमाशा देखने ये लोग बैठ गए चूहा इन लोगों से पकड़ा नहीं गया मैं सोफा फाड़ दिया ये बड़ा प्यारा लगा टाइल्स पर आप लोगों को एक सच बात बताती हूँ कि ये टाइल्स इन्होंने मेरा पहना है गर्म सबको मैंने बता दिया चूहा तो पकड़ नहीं सके इसलिए इधर है नहीं सारी चूहा क्यों नहीं पकड़ा आप लोगों ने चूहा बस नहीं पकड़ा हाँ चूहा नहीं पकड़ा दिन में पीले खाने मिलेगा कुछ वह करना उसकी एक लाइफ है यार ये देखो अरशमान को अरशमान को कुछ समय अरशमान को देखो मैं बीबा को समय लग रही है अरशमान को एक चूहा ने मिला चूहा तो अंदर ही घुस गया था किसके अंदर घुस गया कपड़े ऐसे पहन के आए चूहा पकड़ते पकड़ते ना शजेब की बीपी जो है ना लो होने लगा पड़ा जाग पड़ा से कपड़े चेंज करके आ गया कि मैं कपड़े चेंज करके यहाँ पर बैठ जाऊँ अगर तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे इसलिए कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए मिलती हूँ मैं तब तक के लिए इजाजत दे मुझे अल्लाह हाफिज बाय बाय।